रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा सर पे चोट कैसी? भाई अजीत मुझे आज लेने कॉलेज आए थे और वहाँ पर कुछ लफंगे लड़कों के साथ उनकी हाथापाई हो गई। जीते रहो बेटा। जब तुम हो तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। अंधों की कोई चिंता नहीं मुझे। सच कहा मानव आपने, अजीत ने अपनी अच्छाई से हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि हम पुराने अजीत को भूल जाएं। आई आप मेरे साथ चली ना, मैं आपको वो झूला दिखाती हूँ जिसमें हमारा सचिन झूलने वाला। चल 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 मानव आप भी आइए। अजीत माना कि आज हर किसी ने आपकी बहुत तारीफ की, लेकिन अभी मेरा वही कहना है कि आज के बाद आप कभी भी किसी से मेरे लिए कोई झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए आपकी जिंदगी बहुत मायने रखती है, हर चीज से ज्यादा। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाती। नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। अरे अभी तो 6 महीने में गृहस्थ शुरू किए हैं हमने, काफी लंबा सफर तय करना है हमें एक दूसरे के साथ। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। आइए आइए, जयवंत की आई बाबा है। नमस्कार आई, मैंने इनसे अर्चना के बारे में बात की और इन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। जयवंत से तो आप मिली चुकी हैं। हाँ उस दिन अर्चना ने मिलवाया। आइए मैं आपको मेरे आई बाबा से मिलवाता हूँ। आओ, लड़का तो अच्छा भला है और उसके आई बाबा से मिलकर ऐसा लगा कि खानदान भी अच्छा है। अगर इस घर में हमारे अर्चू की शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, बस किसी तरह अर्चू मान जाए। सचिन आएगा मेरे पास? सचिन, ए सचिन, आज सचिन कृष्ण भगवान बनेगा। ओ, सचिन को मक्खन खिलाएंगे, सचिन बांसुरी बजाएगा। सचिन का नाम तुमने ही सजेस्ट किया होगा ना?
है सचिन कितना क्यूट है, आ जाओ मेरे पास। अरे आई, मैं इसे तैयार करके लाती हूँ। वैशु मैं भी तेरे साथ आती हूँ। चल अर्चना को जाने दो। आज तक उसने तुम्हें बहुत खुशियां दी, आज तुम्हें उसे एक खुशी देने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर मेरा वहां जाना आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। माना अर्चना को खुशी देना या ना देना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इस बारे में आपकी सोच मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मानो कहते हैं जन्माष्टमी वाले दिन अगर कोई सुहागन ये झूला झुलाती है ना तो अगले साल उसके अपने घर में भी ये झूला झूलता है। आई, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं ना, मेरा और सतीश का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आई सच कहूं, हम दोनों इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए अभी तैयार नहीं है। तुम्हें तो हमेशा अपनी बहन ही सही लगती है ना, लेकिन आज उसने जो किया है ना कोई भी समझदार आदमी उसे गलत ही ठहराएगा। अरे ऐसा क्या कर दिया अर्जुन ने? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें कि उसने क्या किया? अरे वो रुचि का नाम भी तो सजेस्ट कर सकती थी ना कृष्णा के लिए, लेकिन नहीं, रुचि से पहले तो उसे सचिन का नाम याद आया। अर्जुन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी तो सोच में ही प्रॉब्लम है। सोच तो तुम है। जो भी पति पत्नी मिलकर पालना झुलाते हैं ना उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। नहीं सर, वो अब तक मेरी शादी नहीं हुई श्रावणी के साथ, तो ये करना ठीक नहीं रहेगा सर। अरे तो क्या हुआ, श्रावणी अकेले तो झूला झुला सकती है ना। आओ श्रावणी बहनी झूला झुलाओ। अर्चना बेटा तू भी जाना श्रावणी के साथ झूला झूलाने। हाँ अर्चना,
जाना। सचिन को अपने कंधे पर ले लो, अब उसके हाथों ये मटकी फोड़वा दे। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आजा। तुझे पता है मैंने थोड़ी देर पहले जयवन के आई बाबा से बात की, उन्हें तुम दोनों का रिश्ता मंजूर है। आई मैंने तुझसे कहा ना कि मैं, अरे नहीं नहीं अर्चू, मैंने तुम्हारी तरफ से उनको हाँ नहीं कही है। आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही होगा, मैं बस तुझे ये कह रही हूँ कि धर्मेश ने तुम्हारे लिए अच्छा लड़का चुना है। लड़का पढ़ा लिखा भी है और खानदान भी अच्छा है, ना कहने वाली तो कोई बात ही नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। नहीं आई, इस बारे में सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं आई। मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं। इस रिश्ते के लिए क्या, मैं किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं। मैंने तुझसे कहा ना कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। आई जयवन जी, आपके और मेरे बाबा के बीच में हमारे रिश्ते को लेकर कोई बात नहीं। मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, बिना वजह बात बढ़ती जा रही, जबकि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ और ना आगे चलकर कभी होंगी। चरण जी प्लीज, आप अपनी आई बाबा को समझा लीजिएगा, मैं अपनी आई को समझा लूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे गलत नहीं लेंगे और मुझे समझेंगे।
इस साल मानव ने मना किया है, वो इस साल मटकी नहीं फोड़ने वाला और इसीलिए वो नीचे नहीं आएगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है काकी? अरे जो पिछले 25 सालों से नहीं हुआ वो इस साल कैसे होगा? अरे बाबा उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी, कुछ तो होगा ना इसलिए। अरे भाई बगैर मानव के अपनी चाली की मटकी नहीं फूट सकती। एक मिनट चिल्लम चिल्ली मत करो बाबा। मानव इधर है। अरे देख सब लोग तेरी राह देख रहे। अरे मानो तू दही हंडी का उत्सव हमेशा इतनी उत्साह से मनाता है, आज क्यों ना बोल रहे? नहीं बाबा मैं इस साल नहीं जाऊंगा, आपको बताया ना कि मैं। हाँ जानता हूँ लेकिन बेटा बड़े बुजुर्गों ने कहा है शो मस्ट गो ऑन, तुझे याद है ना मानो जब हमारा सचिन हमें छोड़कर जा रहा था तब मैंने स्टेज पे जाके मेरा शो किया था। हमारी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो लेकिन दुनिया आगे ही बढ़ती रहती। अरे बेटा ये कृष्ण भगवान की सेवा है, अगर कृष्ण भगवान तेरी सेवा से खुश हो जाए तो शायद तेरे मन की कामना पूरी कर दे। तेरे मन की कामना उनसे तो छुपी नहीं है ना। आगे बढ़ और फोड़ दे हंडी चल। है ये शोर हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, हाँ आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। शुक्र है पप्पा का, जैसा मैं सोच रही थी वैसा कुछ भी मानव के साथ नहीं हुआ। वो खुश है अपनी दुनिया में।
गौरव की गृहस्थी नए सिरे से बन रही है, वो गृहस्थी जिसमें मेरी कोई जगह नहीं और होना भी नहीं चाहिए।